बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैथमेटिक्स पार क्लास 9 यूनिट नंबर 7 लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटी। आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं, इनइक्वलिटीज़ की तरफ। ठीक है, सो इसमें हम आज पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटी क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ लीनियर इनइक्वलिटीज़, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज़, और लास्ट में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 से चंद क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हम आ रहे हैं लीनियर इनइक्वलिटी की तरफ। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटी। सो लीनियर इनइक्वलिटी क्या है? इनइक्वलिटी इज अ स्टेटमेंट दैट वन क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू अनदर मैथमेटिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वलिटी। ठीक है, सो लीनियर इनइक्वलिटी हम दो मैथमेटिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं कि आया ये दोनों वैल्यू लेस है। ठीक है, इनमें से कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है, लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। लेट्स से हमारे पास दो क्वांटिटीज हो, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, सो इसको हम सिंबॉलिकली फिर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेस देन के लिए हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल ये है। ठीक है, इसी तरह ग्रेटर के लिए ये सिंबल है, लेस देन आर इक्वल टू के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ ये इक्वल साइन, इसी तरह ग्रेटर देन आर इक्वल के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। मसलन ये दो वैल्यू ए लेस देन बी, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए लेस देन बी, रीड इस तरह करेंगे, ए लेस देन बी, इसी तरह ए ग्रेटर देन बी, सो ए ग्रेटर देन बी, इसी तरह ए लेस देन आर इक्वल टू बी, सो लेस देन आर इक्वल टू के लिए इक्वल के लिए आप लोग ये साइन नीचे लगा दें, इक्वल टू बी, इसी तरह ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। ठीक है, सो ये इसके सिंबल्स आ रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज। ठीक है, सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ट्राइकोटोमी नंबर, सेकंड ट्रांसेक्टिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट हम आते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज की तरफ। ट्राई मीन्स तीन और कॉटोमी मीन्स कैटेगरीज। ठीक है, तीन कैटेगरीज वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको तीन कैटेगरीज वाला प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। सो अगर हमारे पास एक्स और वाई दो रियल नंबर हो, ठीक है, तो फिर इनमें से तीन स्टेटमेंट में, इन तीन कैटेगरीज में एक कैटेगरी आप लोगों का ट्रू होगा। मींस लेट्स से अगर से एक्स और वाई हमारे पास रियल नंबर है, सो एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, या तो ये होगा नंबर सेकेंड, या तो होगा कि एक्स लेस देन वाई। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी आप लोगों के पास ये आ रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। सो अगर हमारे पास एक्स वाई दो रियल नंबर हो, तो इन तीनों कैटेगरी में एक कैटेगरी आप लोगों के पास ट्रू होगा। या तो ये होगा कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, या एक्स लेस देन जीरो, या एक्स इज इक्वल टू, इन तीनों में से एक कैटेगरी ट्रू होगा। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हो, लेट्स से एक्स वाई एंड जेड आर थ्री रियल नंबर्स। ठीक है, सो अगर हम कहते हैं कि एफ एक्स लेस देन वाई एंड वाई लेस देन जेड, सो फिर हम कहते हैं कि देन दिस मीन्स कि एक्स क्या होगा, वो लेस देन जेड ही होगा। ठीक है, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हो जिसमें एक्स लेस देन वाई और वाई लेस देन जेड हो, तो फिर हम कहते हैं कि दिस एक्स विल बी लेस देन जेड। क्या मतलब है इसका? लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक्स हमारे पास, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू लेट्स से फाइव, और जेड मैं कहता हूँ कि वो आप लोगों के पास लेट्स से सेवन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, मींस वन जो है वो लेस देन फाइव है, सही है, और इसी तरह फाइव जो है वो सेवन से भी लेस है, लेस देन सेवन। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये फाइव फाइव को अगर आप बीच में छोड़ दे, तो मींस ये वन जो है दैट विल बी इक्वल टू लेस देन क्या होगा, सेवन ही होगा। ठीक है, वन इज लेस देन सेवन। इसी तरह अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z, तो हमारे पास x ग्रेटर देन z आएगा। मसलन लेट्स से मैं x ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू लेट्स से मैं ले रहा हूँ 8, ठीक है, और y ले रहा हूँ क्या, दैट इज लेट्स से
4 और z ले रहा हूँ लेट से 3। तो इसमें अगर आप लोग चेक करें 8 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये x हमने 8 लिया, और इसी तरह 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो ऑटोमेटिकली ये 4 4 को अगर आप लोग छोड़ दे, सो दिस मीन्स के 8 विल बी ग्रेटर देन क्या, 8 विल बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। सो हमारे एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है, सो एडिटिव प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर आप लोगों के पास एक्स वाई जेड तीन रियल नंबर हो, ठीक है, और मैं कहता हूँ नंबर वन से अगर एक्स लेस देन वाई, ठीक है, सो इसके साथ आप कोई भी रियल कांस्टेंट ऐड कर सकते हो दोनों साइड, मींस एक्स प्लस जेड, मींस ये जेड में ऐड करवा रहा हूँ, तो ये इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है, एक्स प्लस जेड, इससे रिजल्ट इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मींस अगर आप जेड एक साइड पे ऐड करवा रहे हो तो दूसरे साइड पे अगर आप ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। लेट से अगर मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू लेट से कहता हूँ 2 और वाई को कह देता हूँ लेट से दैट इज 4 और z कोई भी रियल नंबर आप ले लें, लेट से मैं लिख रहा हूँ 5, ठीक है। सो मीन आप लोग चेक करें x क्या है हमारे 2, सो 2 अगर आप लोग चेक करो 2 इज लेस देन व्हाट, 2 इज लेस देन y, y इज व्हाट 4, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो अगर आप इसके साथ 5 ऐड करो मीन्स 2 प्लस 5, दिस विल बी लेस देन क्या 4 प्लस 5, ठीक है, सो 4 प्लस 5, मैं क्या कर रहा हूँ 5 को दोनों साइड ऐड करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें 2 लेस देन 4 था, सो यहाँ पे अगर हम ऐड करवा रहे हैं सो दैट इज़ व्हाट 7, और यहाँ से क्या आ रहे 9, सो ये ऑटोमेटिकली 7 जो है वो क्या है लेस देन 9 है, ठीक है। सो ये आप लोग पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ एडिशन, आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अगर एक्स लेस देन वाई हो तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस जेड विल बी लेस देन वाई माइनस जेड, ठीक है, दोनों साइड से मैं क्या कर रहा हूँ जेड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि जो कुछ आप लेफ्ट साइड पे ऐड करोगे तो इनइक्वलिटी पे, राइट साइड पे अगर आप वही चीज़ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये तो लेस देन के लिए था, ग्रेटर के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है, प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर आप लोगों के पास क्या हो एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो, ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई सो देन हम कह सकते हैं कि वाई प्लस जेड विल बी ग्रेटर देन वाई प्लस जेड, ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी मैंने जेड ऐड कर दिया, ठीक है, सो इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप जेड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे मैं एक्स ले रहा हूँ दैट इज 7, ठीक है, और वाई मैं ले रहा हूँ क्या वाई इज इक्वल टू व्हाट दैट इज 3, सो और जेड को चलो आप कोई भी रियल नंबर ले ले, लेट से दैट इज 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें एक्स क्या है ग्रेटर देन वाई, मीन्स एक्स आप लोगों का 7 है, 7 जो है वो 3 से ग्रेटर है, ठीक है। अब अगर मैं 10 यहाँ पे ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ इस इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेट से मैं ऐड करवा रहा हूँ मीन्स 7 प्लस 10, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन 3 के साथ आप 10 ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ व्हाट 10, सो यहाँ से क्या आ रहे 17 और राइट साइड से क्या आ रहा है 13, तो अगर आप लोग इसको चेक करो सो 17 इज ग्रेटर देन व्हाट 13, सो मींस इस इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप लेफ्ट साइड पे कुछ रियल नंबर ऐड करवा रहे हो तो वही आप लोगों ने अगर राइट साइड पे भी ऐड करोगे तो इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये था आप लोगों का एडिटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट हमारे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी अगर हमारे पास लेट्स से एक्स वाई जेड थ्री रियल नंबर्स हो, सो नंबर एक फर्स्ट आप लोगों के पास ये होगा कि अगर एक्स लेस देन जेड वाई, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से एक्स इज लेस देन वाई सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड, मीन्स मैं जेड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू वाई के साथ भी आप क्या करो जेड मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके
इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सेकंड ये कह रहा हूँ कि अगर क्या हो एक्स ग्रेटर देन वाई हो, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड विल बी ग्रेटर देन वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास जेड क्या हो, जेड मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर। अगर आप लोग पास पॉजिटिव हो तो फिर ये दोनों प्रॉपर्टीज सही है। ठीक है, अगर आप एक्स के साथ जेड मल्टीप्लाई करो और वाई के साथ जेड मल्टीप्लाई करो, मींस दोनों साइड पे जेड मल्टीप्लाई करो, तो इसकी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेट्स से मैं फर्स्ट कह रहा हूँ कि लेट्स से एक्स इज इक्वल टू टू और वाई में लिख रहा हूँ कि दैट इज लेट्स से थ्री। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि टू क्या है, टू इज लेस देन थ्री। ठीक है, मीन्स टू इज लेस देन थ्री, वाई इज लेस देन थ्री। सो अगर मैं जेड कोई भी रियल नंबर, लेकिन ये याद रहे कि पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, से लेट्स से मैं फाइव मल्टीप्लाई फाइव ले रहा हूँ जेड, सो यहाँ पे भी अगर आप फाइव मल्टीप्लाई करोगे मींस इनइक्वलिटी के एक साइड पे, सो टू मल्टीप्लाई बाय फाइव और इसी तरह थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव। सो दोनों से अगर आप लोग चेक करो तो दैट इज़ व्हाट, यहाँ से टेन आ रहे और यहाँ से क्या आ रहे, दैट इज़ फिफ्टीन। सो अगेन इसके इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मीन्स टेन इज लेस देन 15। ठीक है, सो यहाँ पे ये कोई असर नहीं पड़ेगा अगर जेड क्या हो, पॉजिटिव हो। इसी तरह ये दूसरा अगर आप चेक करें, लेट्स से एक्स में लिख रहा हूँ 10 और वाई में लिख रहा हूँ दैट इज़ ग्रेटर देन लेट्स से 3। ठीक है, सो एक्स में क्या ले रहा हूँ, दिस इज़ योर एक्स, सो एक्स क्या है, इज़ लेस देन वाई, वाई इज़ 3। सो अगर जेड लेट्स से यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, सो मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज़ 20। और इस साइड पे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो 2, सो दैट इज़ व्हाट, 6। सो 20 इज़ ग्रेटर देन 6, मीन्स इसके इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि अगर आप कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर दोनों इक्वलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो और राइट साइड पे, तो इसके इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जेड नेगेटिव हो तो फिर असर पड़ेगा, वो सेकंड प्रॉपर इसके सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन। सो इसका सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर जाते हैं, पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। ठीक है, सो इसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर लेट्स से एक्स हमारे पास क्या हो, दैट इज लेस देन वाई हो। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर जेड आप लोगों का नेगेटिव हो, मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड और ये जेड नेगेटिव हो, तो इसका ये जो इनइक्वलिटी है दैट विल बी चेंज। ठीक है, ये अब यहाँ पे लेस है तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन वाई जेड। ठीक है, इसी तरह अगर लेट्स है इसका जो सेकंड पार्ट में इस तरह लिख रहा हूँ कि अगर एक्स क्या हो, ग्रेटर देन वाई हो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू जेड, अब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर है तो यहाँ पे ये लेस हो जाएगा वाई जेड, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जेड क्या हो, एफ जेड इज नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, जेड इज व्हाट, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, अगर जेड हमारे पास नेगेटिव हो तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये इनइक्वलिटी आप लोगों का चेंज हो जाएगा। मींस अगर एक्स लेस देन जेड और आप जेड सॉरी एक्स लेस देन वाई, सो जेड अगर नेगेटिव हो तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड से, तो इनका इनइक्वलिटी चेंज होगा। बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता था। लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2, ठीक है, और वाई मैं ले रहा हूँ लेट्स से दैट इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे अगर आप चेक करें, सो टू इज़ लेस देन 3, मीन्स आप लोगों का ये एक्स है और ये क्या है, y। ठीक है, अगर लेट्स से जेड में अब एक नेगेटिव रियल नंबर कोई भी नेगेटिव रियल नंबर ले ले, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ -5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, और इस साइड पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, -5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, विच इज़ योर जेड। ठीक है, सो इससे रिजल्ट क्या आ रहे, दैट इज़ 10, -10 आ रहे, और यहाँ से क्या आ रहे, -15। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये -10 ग्रेटर है -15 से। ठीक है, पहले वो क्या था, 2 लेस देन
3 था, लेकिन जब हमने नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, सो वो आप लोगों के पास इनइक्वलिटी अब चेंज हो गया लेस से ग्रेटर की तरफ, ठीक है, मींस माइनस 10 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। अगर आप लोग चेक करो ये 0 इस साइड पे, ये 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 पॉजिटिव नंबर आप लोगों के पास 1 2, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो 2 इस साइड पे अगर आप जाओगे तो ग्रेटर की तरफ, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो दैट विल बी व्हाट, वो कम होता जाएगा, ठीक है। सो पहले माइनस 10 आएगा और फिर बाद में माइनस 15 आएगा, सो मींस माइनस 10 जो है माइनस 15 से ज़्यादा है, ये माइनस 10 जो है माइनस 15 से ज़्यादा है, सो इसलिए आप लोगों का इनइक्वलिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, अगर लेट्स है एक्स में ले रहा हूँ लेट्स है 5 और वाई में ले रहा हूँ लेट्स है वाई में 3 ले रहा हूँ, ठीक है, सो मींस 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 क्या है 3 से ग्रेटर है। अब जेड अगर कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूँ, लेट्स है माइनस 1 ले रहा हूँ, ठीक है, जेड माइनस 1 ले रहा हूँ, सो दोनों साइड आप माइनस 1 मल्टीप्लाई करो, सो मींस माइनस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई, और राइट साइड पे अगर आप माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ से माइनस 5 आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है माइनस 3, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास यहाँ पे ये सेम चेंज हो रहा है कि ये लेस हो रहा है, मींस माइनस 5 इज लेस देन माइनस 3, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये ज़्यादातर लास्ट प्रॉपर्टी जो जेड आप लोगों के पास नेगेटिव हो, जब भी आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का इनइक्वलिटी चेंज होगा, जबकि एडिटिव प्रॉपर्टी में इस तरह नहीं है, अगर आप माइनस दोनों साइड पे कोई रियल नंबर माइनस करोगे तो उस पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में असर पड़ेगा। एक्सरसाइज 7.4 की तरफ आ रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ऑन नंबर लाइन, ठीक है, आप लोगों को 10 इनइक्वलिटीज गिवन है और कहा जा रहा है कि इसको आप क्या करो लाइन नंबर पे शो करो। सो पार्ट 1 में कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, सो आप लोग इस तरह एक लाइन नंबर ड्रा करो तो जिसके दोनों साइड पे एरो हो, ठीक है, बीच में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 0 ले रहा हूँ, दैट्स ये, और बाकी आप राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज मींस 1, ठीक है, इसी तरह लेट्स से 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड पे माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 मींस एक्स आप लोगों के पास कोई रियल नंबर है और वो 0 से बड़ा हो, मींस 0 ना हो 0 से बड़ा हो, सो मींस ग्रेटर देन 0 मींस 1 2 3 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सो ये ग्रेटर देन 0 है तो आप लोग क्या करो यहाँ पे 0 पे एक सर्कल सा ड्रा करो, ठीक है, और इस ग्रेटर देन 0 मींस आप लोगों ने राइट साइड पे एक एरो लगाना होगा, ठीक है, ये और डायरेक्शन इसके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, सो मैं यहाँ पे ऊपर अगर आप लिखना चाहे तो बेशक आप लिख ले एक्स ग्रेटर देन 0, सो ये आप लोगों का एक्स ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, ठीक है। सो अगर लेट्स से यहाँ पे ये इस तरह हो कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस लाइन को आप लोगों ने फिर क्या करना होगा, उसमें आप लोगों ने 0 भी इंक्लूड करना होगा, एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो अगर आप 0 इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर आप इस सर्कल को फेल करोगे, ठीक है, इसको यहाँ से आप लोगों ने फेल करना होगा, अगर ये नहीं है तो आप लोगों ने फेल नहीं करना होगा, ठीक है, अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो उसको मैं यहाँ से ख़त्म करवा रहा हूँ। अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एक्स लेस देन 0, ठीक है, सो हमारे पास ये 0 है और लेस देन 0 मींस आप लोगों के पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन लगाऊंगा और इसको एरो से आप ज़ाहिर कर दे और इसको आप लिख सकते हैं दैट इज़ एक्स लेस देन 0, ठीक है, चूँकि ये इक्वल साइन नहीं है तो इसको फेल नहीं करवाना है, ठीक है, सो एक्स देन 0 मींस एक्स के आप कोई भी वैल्यू जो 0 से लेस हो उसमें आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट अगर आप लोग चेक करिए सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, ठीक है, सो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सो दैट इज़ जो हमें इनइक्वलिटी रिलेशन गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 3x - 3 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू -1, सो पहले हमने इस 2 को शिफ्ट करवाना है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई 2, सो इस साइड को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा -2,
ठीक है। अब इस एक्स को भी आप उस साइड पे शिफ्ट करें, सो दोनों साइड एक 3 ऐड करने से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, एक्स माइनस 3 प्लस 3 करवा रहा हूँ, और इस साइड पे भी 3 ऐड करूँगा, सो माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। सो ये 3 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो दिस मीन्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग क्या करो, 1 1 आप लोगों के पास ये है, इस पे सर्कल ड्रा करो, और लेस देन सो मीन्स आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे लाइन लगाना होगा, ठीक है। लेस वैल्यू आप लोगों के पास लेफ्ट पे आ रहे हैं, और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है, सो इसको आप लोगों ने पहल करना होगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने खाली नहीं बल्कि इसको पहल करना होगा, ये आप लोगों का लाइन आ रहा है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। और में कह रहा है कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू -5, ठीक है। -5 आप लोगों का ये आ रहा है -5, और लेस देन लेफ्ट साइड पे आप लोग क्या करो, एरो लगाओ, ठीक है, और डायरेक्शन आप लोगों का लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। अब ये लेस देन आर इक्वल टू -5, मीन्स अब यहाँ पे इक्वल भी है और लेस भी है, तो इसको आप लोगों ने पहल करना होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल साइन ना होता तो फिर इसको पहल करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू -5, ठीक है। ये लाइन जो है, ये एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, पार्ट 5 में कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, -3 पे मैं यहाँ पे सर्कल लगा रहा हूँ, और अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। राइट साइड पे आप लोगों ने एरो लगाना होगा, ठीक है, ये ठीक है। मीन्स एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, ठीक है, -3 से बड़ा या -3 के बराबर। यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, इक्वल टू के लिए आप लोग इसको क्या करो, इसको फेल कर दो, ठीक है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। अच्छा, पार्ट 6 को पहले आप लोग एक्स के लिए सिंप्लीफाई करें, मींस आप लोगों को जो गिवन वैल्यू है, चलो दोनों इनइक्वलिटी को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 3x-2 डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन 5/2 x 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6। दोनों साइड में 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप लोगों को याद हो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था। ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 6 सॉरी 2 3 6, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ रहे 3x-2 ग्रेटर देन 5 3 15, ठीक है। फिर इस 2 को आप लोग क्या करो, इस साइड पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहा हूँ, 3x-2 प्लस 2, तो सेम आप लोगों ने दूसरे साइड पे करना है। यहाँ पे हम प्लस 2 ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ कर दिया, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो रहा है, 3x इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब सॉरी, ये ग्रेटर देन 17। अच्छा, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3, इसको भी आप 3 से डिवाइड करें, अगेन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 1/3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरे साइड पे भी कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 17/3। अब इस 17 को आप 3 पे डिवाइड कर दें, सो दिस मीन्स एक्स आप लोगों के पास ग्रेटर देन 5 3 15, मीन्स 5.667 कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है, 0.67। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 4 तक किया हुआ है, इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे। लाइन को मैं एक्सटेंड कर चुका हूँ, अब यहाँ ये 5.667, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, 5 और 6 के दरमियान ये 5.5 आएगा, 5.5 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये लेट्स से आप लोगों का ये पोजिशन आ रहा है, इस पर आप क्या करो, निशान मीन 0 का निशान लगाओ, और ग्रेटर देन है तो आप लोग क्या करो, राइट साइड पे एरो लगाओ, ठीक है। ये आप लोगों का एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5.67, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल नहीं है, इसको हमने फेल नहीं करना होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल होता तो इसको हम फेल किया करते थे।
पार्ट सेवन में कह रहे कि माइनस फाइव लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू सिक्स। ठीक है, इसको चलो मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ। लेट्स से नंबर वन कि मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, इसमें आप लोगों ने डायरेक्शन चेक करना है। ठीक है, कि एक्स का आप लोगों को चेक करें, यहाँ पे एक्स ये दो सिंबल साइड्स आप चेक करें तो एक्स के ये दो साइड, ठीक है, और यहाँ पे ये एक एंगल, ठीक है, एक वो और वर्टेक्स। और दूसरा वो कह रहे हैं सेकंड आप लोगों के पास ये है कि मैं इसको चलो इस तरह लिख रहा हूँ कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू फाइव, सॉरी ये सिक्स है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों ने, चलो फर्स्ट में इसको कर देता हूँ, एक्स लेस देन आर इक्वल टू सिक्स, सो सिक्स आप लोगों के पास ये लोकेशन आ रहे हैं, ये पॉइंट, और इससे लेस मीन्स इस साइड पे, इस पे जितने भी आप लोगों के पास आ रहे हैं। और फर्स्ट वो कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो माइनस फाइव आप लोगों के पास ये है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए आप लोगों ने इस साइड पे, ठीक है, ये मीन्स ये, तो इन दोनों के दरमियान ये जगह, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। लेकिन यहाँ पे चेक करें आप लोगों के पास इक्वल साइन भी है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वलिटी साइन भी है, तो इसको हमने फेल करना होगा। ठीक है, दोनों साइड पे है तो दोनों साइड आप लोगों ने ये फेल करना है। अब इसके दरमियान जो रेंज आएगा, ये लाइन आप लोगों का रिप्रेजेंट हो रहा है, मीन्स माइनस फाइव लेस देन आर इक्वल टू एक्स या लेस देन आर इक्वल टू प्लस सिक्स। ठीक है, सो इनके दरमियान ये रेंज जो आप लोगों का आ रहा है, इसको हमने लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह पार्ट एट थ्री, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, ठीक है, या इसको चलो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इसको भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, मीन्स एक्स क्या है, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू थ्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसको इस तरह लिख रहा हूँ, ये वाला एक्स लेस देन आर इक्वल टू थ्री। ठीक है, और सेकेंड पार्ट मैं इसको लिख रहा हूँ, दैट इज व्हाट, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे अगेन आप लोगों के पास दोनों साइड्स पे इक्वलिटी है, मींस ये दोनों आप लोगों के पास इंक्लूड होंगे, थ्री और माइनस टू दोनों इंक्लूड होंगे, सो एक्स माइनस टू ये, ठीक है, यहाँ पे मैं साइन लगा रहा हूँ, और एक्स जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है, मीन्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे एक्स लेस देन थ्री, थ्री आप लोगों का ये, यहाँ पे मैं बबल साइन लगा रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि लेस, लेस आप लोगों ने इस डायरेक्शन में आना होगा। ठीक है, अगेन आप लोगों के पास ये दोनों इंक्लूड है, तो आप इसको क्या करो, इस सर्कल को फेल कर दो। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास ये लाइन आ रहे तीन और माइनस टू के दरमियान ये हिस्सा। ठीक है, सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नाइन को अगर आप लोग चेक करें, ये थोड़ा सा इसको और से चेक करें, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास ये माइनस वन है, सो फर्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट हमने इस माइनस वन को ख़त्म करना है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, वन को तीनों इनइक्वलिटी में ऐड करवा रहा हूँ, मीन्स ज़ीरो प्लस वन लेस देन एक्स माइनस फोर, एक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस वन, और यहाँ पर भी मैं प्लस वन ऐड कर रहा हूँ, और लास्ट में भी आप लोग क्या करो, वन डिवाइडेड बाई टू और प्लस वन। ठीक है, सो यहाँ पे ये प्लस वन माइनस वन आपस में कैंसिल, सो ज़ीरो प्लस वन, यहाँ से वन आ जाएगा, लेस देन एक्स बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, वन वन कैंसिल हो चुका है, लेस देन, अब इसका एलसीएम ले ले, टू एलसीएम हो जाएगा, सो वन प्लस टू। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी वन प्लस टू, सो यहाँ से आप लोगों के पास आ रहा है वन लेस देन आर लेस देन एक्स बाई फोर लेस देन क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री बाई टू। सो अब नेक्स्ट हमने इस फोर को ख़त्म करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग तीनों साइड आप क्या करो, फोर मल्टीप्लाई करो, सो वन लेस देन, इसको भी आप फोर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, सो इस इनइक्वलिटी को भी फोर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये भी एक्स डिवाइड बाई फोर और लेस देन थ्री डिवाइडेड बाई टू, इसको भी आप क्या करवा रहे, फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स मालूम करना है, सो ये एक्स एक्स, यहाँ पे फोर फोर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आ रहे हैं फोर लेस देन एक्स लेस देन, इसको आप कर दे फोर, टू टू ज़ार फोर, सो टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, दैट इज सिक्स, मीन्स फोर लेस देन आर लेस देन लेस देन एक्स लेस देन सिक्स, मीन्स फोर और सिक्स के दरमियान।
ठीक है, या इसको अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें, मींस यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस एक्स बाय फोर माइनस वन लेस देन वन डिवाइडेड बाय टू। चलो पहले मैं इसका एलसीएम यहाँ पे ले रहा हूँ, बाकी इनइक्वलिटी सेम उसी तरह आ रहे हैं, दरमियान वाले इनइक्वलिटी के मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। सो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, फोर। सो एक्स माइनस ये फोर वन ज़ार फोर, ठीक है, आर लेस देन वन बाई टू। सो अब अगेन इसको मैंने ख़त्म कर दें, सो मल्टीप्लाइंग हर इक्वलिटी को मैं चार से ज़रब दे रहा हूँ। सो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई फोर, अब इस दरमियाने इनइक्वलिटी को भी चार से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय फोर, तो ये फोर ख़त्म हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय फोर, ठीक है। यहाँ पे ये फोर फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा, फोर ये टू टू ज़ार फोर हो जाएगा। सो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय फोर ज़ीरो आ जाएगा, एक्स माइनस फोर लेस देन टू। सो अब हमने इस एक्स को फोर को ख़त्म कर दें, सो फोर आप लोग हर एक इनइक्वलिटी में ऐड कर दें, सो मींस फोर प्लस ज़ीरो, यहाँ पे फोर ऐड करवा रहा हूँ, यहाँ भी फोर ऐड करवाऊँगा, ठीक है, और लास्ट में भी आप क्या करो, फोर ऐड करवा दो, सो टू प्लस फोर, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, प्लस फोर माइनस फोर, सो ज़ीरो प्लस फोर फोर आ रहे, लेस देन यहाँ पे एक्स और लेस देन आप लोगों के पास टू प्लस फोर दैट इज़ सिक्स। सो अगर आप लोग चेक करो दोनों से सेम रिज़ल्ट आ रहे, ठीक है ये। सो जो भी मेथड आप लोगों को इजी हो वो आप करें। सो मींस अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सो इसलिए मैं इसको ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, मींस यहाँ पे ये ज़ीरो वन, इसको टू, सो मींस एक्स फोर लेस देन एक्स, फोर आप लोगों के पास क्या हो, जो एक्स हो वो ज़्यादा है, एक्स यहाँ पे आप इस तरह करें एक्स ग्रेटर देन फोर, ठीक है, सो मींस ये डायरेक्शन, और सिक्स एक्स लेस देन सिक्स, ये आप लोगों का सिक्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों में इक्वल वो नहीं है, सो आप लोगों ने इसको फेल नहीं करना होगा। सो ये आप लोगों का लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस। सो लास्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का इस तरह आ रहा है, मींस इसको मैं लिख रहा हूँ ज़ीरो लेस देन एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, जबकि लेस देन थ्री बाई टू। सो मल्टीप्लाइंग ईच इनइक्वलिटी बाई टू, हर इनइक्वलिटी को मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो टू मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो लेस देन एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, और इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, टू से, और लास्ट इनइक्वलिटी में भी मैं टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टू। अब ये टू टू के साथ कैंसिल हो रहा है, ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो रहा है, सो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टू, यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा, लेस देन दैट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस थ्री लेस देन थ्री, ठीक है। अब हम इस थ्री को ख़त्म करें, सो हर इनइक्वलिटी से आप थ्री माइनस कर दें, मीन ज़ीरो माइनस थ्री लेस देन एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री और थ्री माइनस थ्री, ठीक है, तीनों से मैंने माइनस थ्री सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। सो माइनस थ्री लेस देन एक्स और यहाँ पे लेस देन ज़ीरो, ठीक है। सो यहाँ पे आप लाइन लगा दें, मींस ये आप लोगों का ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री और इसी तरह ये माइनस फोर और यहाँ पे ये प्लस वन, ठीक है। सो मींस एक्स लेस देन ज़ीरो मींस ये आप लोगों का ज़ीरो है और इससे कम मींस इस डायरेक्शन में, और एक्स ग्रेटर देन थ्री, थ्री आप लोगों का ये आ रहा है, ठीक है, थ्री जो है वो माइनस थ्री लेस हो एक्स से, मींस एक्स ग्रेटर हो, एक्स ग्रेटर ये आप लोग चेक करें दो एरोज पे आ रहे हैं, ठीक है। सो मींस एक्स ग्रेटर होगा माइनस थ्री लेस, सो मींस ये, और इसमें भी आप लोगों के पास इक्वल वो नहीं है तो फेल नहीं कर दें, ठीक है। सो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन ज़ीरो,
ठीक है, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। रिमेनिंग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।